आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम आज भी कहीं कहीं पुराने युग में जी रहे हैं, जहां 60 वर्षों से ग्रामीण पनेली नदी और आदमपुर की सुकमा नदी पर पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो शासन ना ही प्रशासन ने कोई ध्यान दिया और ना ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने कोई रुचि दिखाई। बरसात में आए बाढ़ से ये मार्ग बाद हो जाने से लोगों को 12 किलोमीटर फेरे लगाकर आना पड़ता है। आपको बता दें कि इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि अनेकों मर्तबा पनेली नदी पर पुल बनाने की मांग बरसों से कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बरसात के दिनों में तो यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे 12 से 12 किलोमीटर से फेरे लगाकर हंडिया और हरदा के चिकित्सालयों में भर्ती करवाना पड़ता है, जिससे गरीब मध्यम वर्ग के लोग समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे उभर कर वाहन चालकों के लिए हादसों का कारण बन रहे हैं। पहुँचने में बहुत दिक्कत होती है तहसील मुख्यालय में, और अभिमा नदी और पनाली नदी दोनों का अभी तक पुल नहीं बना है, और ये मार्ग करताना तक जुड़ता है। हंडिया के दोनों नदियों का पुल अभी तक नहीं बना है। 12 से 15 गांव के लोगों को इसमें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। 60 वर्षों से हम प्रशासन शासन प्रशासन से और सभी से हम गुजारिश कर रहे हैं कि पुल बन जाए जल्द से जल्द दोनों पुल, पर अभी तक नहीं बने हैं।